हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ग्लास बॉटल में एक नए तरीके का आर्ट बनाने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले यूज़ करेंगे वाइट प्राइमर। देखिए, ये बर्जर कंपनी का है, आप चाहें तो बर्जर कंपनी या फिर एशियन कंपनी का भी कोई भी वाइट प्राइमर ले सकते हैं। और जो ये हम स्पंज ले रहे हैं, इससे हमें अप्लाई करना है बॉटल में, कुछ इस तरीके से आप इसको पूरे बॉटल में अप्लाई करना है। जब ये आपका पहला लेयर ड्राई हो जाए तो उसका सेकेंड लेयर आपको फिर से अप्लाई करना है वाइट प्राइमर का, उसके बाद ही हम इस पर वर्क करेंगे। तो मैं पहला लेयर अभी कर रहा हूँ, जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैं सेकंड करूँगा। देखिए, दो कोट करने के बाद अब ये पूरा वाइट हो चुका है, तो इसलिए प्राइमर का हमेशा दो कोट करिए बॉटल में। अब हम पेंसिल से डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे जिस पर हमें क्ले का वर्क करना है। डिज़ाइन बनने के बाद अब हमें क्ले को अप्लाई करना है, तो क्ले हम यूज़ करेंगे फेविक्रिल की मोल्डेड एयर ड्राई क्ले, तो मैं इसी क्ले का यूज़ करता हूँ। अगर आपको ये क्ले बाय करनी है तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो अब देखिए, डिज़ाइन के लिए मैंने थोड़ी सी क्ले को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए कुछ इस तरीके से इसको रोल कर रहा हूँ, और इसको पेस्ट करने के लिए हम फेविकॉल का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो फेविकॉल या फैब्रिक ग्लू जो आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए क्ले वर्क पूरा हो चुका है। अब मैं इसको ड्राई होने के लिए 1 आवर के बाद ही इसमें कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। तो कलर का यूज़ करने वाला हूँ मैं एक्रेलिक कलर का, जो फेविक्रिल की देखिए बॉटल आती है उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें मैं ले रहा हूँ मैरून कलर। तो मैरून कलर देखिए पूरे तरीके से मैंने इसमें अप्लाई कर लिया है और ये ड्राई भी हो चुका है। अब इसमें हमें थोड़ा सा डिज़ाइन देना है येलो कलर से। तो डिज़ाइन देने के लिए भी हम स्पंज का यूज़ करेंगे। तो पहले मैं ये येलो कलर ले लेता हूँ। अब हम ले लेंगे एक स्पंज, उससे हमें इसमें बॉटल में अप्लाई करना है। कुछ इस तरीके से देखिए आपको अप्लाई करना होता है, जिससे आप थोड़ा सा डिज़ाइन दे सकें, इसको अलग लुक दे सकें बॉटल में। अब हम इसमें यूज़ करने वाले हैं फेविक्रिल का पर्ल मेटेलिक गोल्ड कलर, जो हमने क्ले से जो डिज़ाइन दिया है हमें उस पर अप्लाई करना है। तो इस गोल्डन कलर को भी हम स्पंज से ही अप्लाई करेंगे। कुछ इस तरीके से देखिए आपके डिज़ाइन पे वर्क करना है। आप चाहें तो फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, या फिर अगर आपके पास स्पंज है तो स्पंज से आपका वर्क और भी अच्छे से आपका क्लियरली लग जाएगा। जब पूरा वर्क कंप्लीट हो जाए और ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद हमें इसमें डेकोर वार्निश का यूज़ करना है। मैं ग्लॉस वार्निश का इसमें यूज़ कर रहा हूँ। बस इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब आप बॉटल में पूरा वर्क कंप्लीट हो जाए या ये ड्राई हो जाए उसके बाद ही लिक्विड वार्निश को अप्लाई करिए। वार्निश से आपकी बॉटल डस्ट प्रूफ भी हो जाती है और आपका कलर भी सिक्योर हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप बॉटल बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।